कौमी असेंबली का अजलास आज सुबह 10 बजे होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अजलास की सदारत करेंगे। अजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वजीर आजम के लिए कागजात इतवार को जमा होंगे। 4 मार्च को कौमी असेंबली नए वजीर आजम का इंतखाब करेगी। वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। नून लीग को 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद में नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का इशाया, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अलीम खान, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर नामजद। बिलावल भुट्टो ने मिसाह की मुफाहमत, इंतखाबी और अदालती असलाहत पेश की। कहा, मुल्क और आवाम मुश्किल में है, कोशिश करेंगे आवाम को मसाइल से निकालें। सियासी रहनुमाओं का तमाम चैलेंजेस से मिलकर मुकाबला करने का आज़म। एहसन इकबाल कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत सियासी और मौशी इस्तेहकाम देगी। नवीद कमर बोले, बिलावल भुट्टो ने मिसाह के मुफाहमत की अहमियत पर जोर दिया। अलीम खान ने कहा कि जिसे जहां मैंडेट मिला है वहां आवाम के लिए काम करे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलेंगे। चौधरी सालिक हुसैन बोले, मौशी बेहतरीन सबसे बड़ा चैलेंज है, सियासी मफादात पसे पुश डालने होंगे। इत्तेहादी रहनुमाओं की JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में सादिक सजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक शामिल, खालिद मक्सी, साद रफीक और अलीम खान भी शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को कुछ तहफ्फुज़ात हैं, उनसे कहा है हमारी सपोर्ट करें। बानी PTI ने IMF को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज को धांधली से मशरूत करने की दरख्वास्त कर दी। PTI ने खत लिखे जाने की तस्दीक कर दी। बानी PTI ने पहले भी रियासत मुखालिफ इकदाम उठाया था। PTI सेनेटर शौकत तरीन ने IMF डील में रुकावट डाली थी। शौकत तरीन इस इकदाम के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे। इस तरह का जख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो इस मुल्क को मुसीबतों से निकालना है और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट फैसले भी करने पड़ेंगे आपको। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर और अपने मुखालफीन का भरपूर मुकाबला करना है। जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। पाकिस्तान को ऐसा जख्म कभी नहीं देखा। 1-1.5 साल मुश्किल होंगे, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ वालों का जहन आज तक समझ नहीं आया। आप वजू करके और पाक साफ होकर आए तब भी वो इल्ज़ाम ही लगाएंगे। PTI को लाने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं। मुझे हटाने में जजों के साथ दूसरे प्लेयर्स भी शामिल थे। क्या मुझे निकालने वाले जज किसी को मुँह दिखाने के काबिल हैं? साकिब निसार आज कहाँ हैं? हमें मखसूस नशस्तें नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन सुन्नी तहाद काउंसिल का खत सामने ले आया। 26 फरवरी को मखसूस नशस्तों से इनकार किया गया। सुन्नी तहाद काउंसिल ने खत में कहा कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशस्तों की फहरिस्त देने की ज़रूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, जब सुन्नी काउंसिल को मखसूस नशस्तें चाहिए ही नहीं, आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं? अली जफर का सुन्नी काउंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। आर्मी चीफ से लाहौर की ASP शहरबानो नकवी से मुलाकात। ड्यूटी के दौरान गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत की तारीफ की। नडर अफसर ने लाहौर में हजूम से खातून को निकाला था। आर्मी चीफ ने कहा, खवातीन तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का एहतराम मजहब और माशरती इकतदार में शामिल है। शिकायात के हल के लिए कानूनी रास्ते हैं, कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। दौरान ऑपरेशन 1 सिपाही जख्मी हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद।
दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। मोहसिन नकवी के इकदाम रंग लाने लगे। वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी। मनसूबे का 80% काम मुकम्मल। वाल्टन रोड पर सीवरेज सिस्टम के लिए लाइनें बिछा दी गईं। साबिक वजीर आला ने मनसूबे की तकमील के लिए अप्रैल की डेडलाइन दी थी। बंद रोड मनसूबे का पैकेज 2 भी तकमील के करीब। 20 मार्च को मरियम नवाज से इफ्तिताह कराने पर गौर। पैकेज 1 का इफ्तिताह मोहसिन नकवी ने किया था। सियासी तनाव में कमी लाने के लिए ऐसा इकदाम। वजीर आला मरियम नवाज, ऑपोजिशन रहनुमा राना आफताब अहमद खान की नशिस्त पर गई। खैर सगाली के जज्बे का इजहार किया। कहा, आप सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वजीर आला हूँ, उतनी ही आपकी भी हूँ। अरकान ने मेज बजा कर दाद दी। निगरान वफाकी हुकूमत का जाते जाते अनोखा फैसला। काबीना ने 2019 से आटे की बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। गंदम की दस्तियाबी में कमी के बावजूद आटा बैरून मुल्क फरोख्त करने की इजाजत दे दी। बासर कंपनियों के मुतालबे पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियो हस्पताल लाहौर का हंगामी दौरा। हस्पताल में तामीराती कामों का जायजा लिया। नई इमरजेंसी बिल्डिंग का भी मुआयना। मरियम नवाज की मरीजों से मुलाकात। इलाज और हस्पताल में दी जाने वाली सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वजीर आला का पंजाब को एक माह में साफ बनाने का भी हुक्म। मरियम नवाज ने इंतजामिया को कचरा उठाने के लिए टास्क दे दिया। जिला इंतजामिया और मुतलका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। टूटी गलियों और सीवरेज की भी मुरम्मत होगी। जुमेरात और जुमे को सिंध में आंधी और बारिश मुतवक्के। कराची में जुमे को बादल बरसने को तैयार। शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। हैदराबाद, छट्टा, बदीन और थरपारकर में शदीद बारिश हो सकती है। सिंध के माहीगीर पेशगोई के दौरान मोहतात रहें। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मुतलका इदारों को अलर्ट कर दिया है। बारिश से मुतालिक इकदाम के लिए कल इजलास बुलाया है।